हर्ष के मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों तक उत्तर भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं था जो कन्नौज के प्राचीन गौरव का उद्धार करता और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता। लेकिन कुछ समय के बाद कन्नौज में सुचंद्र वर्मा के बाद कुछ समय जब जो अराजकता फैलती है, उसके बाद हम कन्नौज के सिंहासन पर एक ऐसे प्रतापी राजा को बैठे हुए देखते हैं जिसका नाम था यशोवर्मन। यदि बात करें इसके प्रारंभिक जीवन और वंश के बारे में, तो कनिंघम महोदय वर्मन नामांत देख करके कहते हैं कि यह इसका संबंध मौखरियों से था। और यदि बात करें कुछ अन्य विद्वानों की, जिसमें विशेष रूप से जैन ग्रंथ हैं वप भट्ट सुचरित और प्रभावक चरित, इसमें इसे मौर्यवंशी कहा गया, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है वो वाकपति के गौड़वहु रचना से, जिसमें उसे चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि मौखरियों के पराभव के साथ उत्तरवर्ती गुप्तों का अभ्युदय हुआ। उस समय आदित्य सेन, विष्णुगुप्त से लेकर जीवितगुप्त गुप्त द्वितीय के रूप में कई परवर्ती गुप्त नरेश का नाम मिलता है, जो बहुत ही क्या थे, प्रतापी थे, और उनका अधिकार न केवल मगध बल्कि कन्नौज के क्षेत्रों पर भी फैला हुआ था। ठीक इसी समय कुछ समय बाद हम देखते हैं कि करीब 728 ईस्वी के आसपास या 725 ईस्वी के आसपास यशोवर्मन ने जीवित गुप्त की को युद्ध में पराजित करके मार डाला और कन्नौज में अपना राजवंश स्थापित किया। इसने करीब 728 से 745 ईस्वी के अनुसार, और रमा शंकर त्रिपाठी जी जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ कन्नौज लिखा है उनके अनुसार 725 से 752 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया। इस प्रकार से देखें तो यशोवर्मन ने करीब 27 वर्ष तक शासन किया। इसके समकालीन शासकों की बात करें तो ललितादित्य मुक्तापीठ, पाल शासक गोपाल और परवर्ती गुप्त सर शासक जीवित गुप्त का उल्लेख किया जा सकता है। इसके पुत्र के रूप में हमें आमराज का वर्णन मिलता है। यशोवर्मन एक सैव धर्मावलंबी शासक था और उसके समय में संस्कृत भाषा को राजभाषा का गौरव प्राप्त था। यशोवर्मन को उसके अभिलेखों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, शक्लोत्तर पथनाथ और लोकपाल जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया है या लोकपाल नाम से पुकारा गया है। इसके दरबार में गौड़वों के रचनाकार वाक्पति और भवभूति जिन्होंने मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित का लेखन किया था, इसके दरबार में रहते थे। और इसने खुद एक रचना की थी रस बांधो या कुछ रूप में। तो इस प्रकार से यह एक विद्या प्रेमी और साहित्य प्रेमी शासक था। इसके मृत्यु के बाद इसके पुत्र आमराज, उसके बाद दुंदुक और भोज के द्वारा लगभग 20 वर्ष तक तीनों के शासनकाल को मिला करके शासन दिखाई देता है। और यशोवर्मन के इन उत्तराधिकारियों के बाद आयुध वंश का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सोर्सेज की बात करें तो हमें यशोवर्मन के बारे में जानकारी आर्यमंजूश्री मूलकल्प, जीन प्रभ सूरी का तीर्थकल्प, प्रभाचंद्र का प्रभावक चरित, वप भट्ट का सुचरित, वाक्पति का गौड़वहु, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, ठीक है, हुई चाओ का वृत्तांत, तांग वंश का विवरण, अभिलेखों में यशोवर्मन का नालंदा लेख, पाल बीरदेव का घोग्रावा लेख, घोषणावास लेख और यशोवर्मन के सिक्कों से हमें यशोवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें इसके राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, तो पहला है मगध की विजय। देखिए गौड़वों में उल्लेखित है कि यशोवर्मन की मगध विजय की पुष्टि, यानी गौड़वों में उल्लेखित यशोवर्मन के मगध विजय की पुष्टि दो चीज़ों से होती है। पहला बात तो नालंदा अभिलेख, गौड़वों के अनुसार उसने अपने दिग्विजय यानी विजय के परिणाम स्वरूप मगध में एक नगर की स्थापना की थी, और कनिंघम के अनुसार यह वर्तमान नगर बिहार नगर के स्थान पर था।
कहते हैं इस समय मगध और गौड़ एक ही राज्य के अंतर्गत थे, वहाँ का राजा कौन था इस विषय में अलग अलग मत थे। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं कि इस समय मगध पर बंगाल के किसी अज्ञात राजा का अधिकार था, जिसने मगध को भी अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन उत्तरकालीन गुप्तवंशी जीवित गुप्त द्वितीय का जो कि देववर्णांक अभिलेख है उसमें उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। ऐसा लगता है कानगुप्त जी नरेश यशोवर्मा ने जीवित गुप्त द्वितीय से युद्ध में युद्ध किए बिना ही उत्तर भारत पर दिग्विजय नहीं कर सकता था, तो ऐसा लगता है कि उसने मगध नरेश जीवित गुप्त द्वितीय को ही युद्ध में पराजित किया होगा। अगला है वातापी के चालुक्यों के साथ संघर्ष। देखिए यदि बात करें यशोवर्मा के अगले मतलब युद्ध के विषय में, तो उसमें उसने चालुक्य, तो ऐसा लगता है कि यशोवर्मा ने दक्षिण भारत की विजय की थी, लेकिन निश्चित रूप से हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोग इसे चालुक्य नरेश बिन्यादित्य जिसने 681 से 696 ईस्वी के मध्य शासन किया था को स्वीकार करते हैं। नेरूर ताम्रपत्र लेख से पता चलता है कि बिन्यादित्य के पुत्र विजयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ को युद्ध में पराजित किया था और उसे बंदी बना लिया था, तो ऐसा लगता है कि यह शकलोत्तर पथनाथ यशोवर्मा ही रहा होगा जिसे विजयादित्य ने पराजित किया होगा, और यह विजयादित्य वातापी के चालुक्य राजवंश से संबंधित था। पार्शकों पर विजय। गढ़वहों में उल्लेखित पार्शकों का संबंध मुसलमानों से लिया गया है। इस समय पश्चिमी भारत में मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, कदाचित पर्शिया के क्षेत्र के जो मुसलमान थे उन्हें ही यशोवर्मन ने पराजित किया होगा। ठीक है, अब अगली बात करें मध्य भारत और पश्चिमोत्तर क्षेत्र की विजय। तो गढ़वहों के अनुसार यशोवर्मा ने मरुदेश और श्रीकंठ की विजय की थी। मनियाल में यशोवर्मा की मुद्राएं मिली हैं। नालंदा अभिलेख में उसके एक मंत्री को उदीचीपति कहा गया है। इस आधार पर कहा जाता है कि यशोवर्मा का अधिकार पश्चिमोत्तर क्षेत्र गुजरात के आसपास सिंध के क्षेत्रों में रहा होगा या गुजरात के क्षेत्र में रहा होगा। और इसके अलावा चीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि मगध प्रदेश के एक राजा ईशा फूमो का ज्ञान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मगध प्रदेश और मध्य भारत के क्षेत्र में यशोवर्मा के रूप में बागची महोदय उसका समीकरण स्थापित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भौट्टो के विरुद्ध ललितादित्य मुक्तापीठ का सहयोग। तो देखिए इस समय इसका समकालीन शासक था कारकोट नरेश ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, वह अभी यशोवर्मा की भांति उत्तरी भारत को अपने अधिकार में रखना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि कारकोट नरेश ललितादित्य मुक्तापीठ ने एक राजदूत भेजा था जिसका विवरण आउकांग नामक चीनी यात्री देता है कि वह कहता है कि ललितादित्य विक्रमादित्य कहता है, ललितादित्य मुक्तापीठ कहता है कि चीनी सम्राट से कि उसने भौट्टों अर्थात तिब्बतियों पर विजय हासिल की है और इस युद्ध में मंगटी नामक शासक ने के साथ उसकी संधि की बात की जाती है। तो ये आउकांग नामक चीनी यात्री कहता है कि मंगटी ने मध्य भारत के राजा के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, क्या कह रहा है, आउकांग के अनुसार मंगटी ने मध्य भारत के राजा के साथ संधि कर ली थी। तो मंगटी का अर्थ है मुक्तापीठ और मध्य भारत का राजा था यशोवर्मा। तो इससे पता चलता है कि यशोवर्मा और यशो ललितादित्य मुक्तापीठ ने मिल करके तिब्बतियों के विरुद्ध अभियान किया था, एक दूसरे का सहयोग किया था। ठीक है, अगली बात हम करते हैं ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा पराजय। तो देखिए कल्हड़ की राज तरंगड़ी की बात करें और ललितादित्य की कुछ मुद्राएं जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से प्राप्त होती हैं से यह पता चलता है कि वह यशोवर्मा की भांति बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। राजतरंगड़ी के अनुसार यमुना से लेकर के कालिका नदी तक कानिकुज प्रदेश ललितादित्य के अधिकार में उसी प्रकार से था जिस प्रकार से उसका गृह का प्रांगण। ठीक है,
तो कहा जाता है कि ललितादित्य ने यशोवर्मा को परास्त किया था। संभवतः अपनी पराजय के बाद यशोवर्मा ने ललितादित्य की अधीनता स्वीकार कर ली। एक और भी कथानक मिलता है कि कुछ समय बाद जब संधि होती है तो उसमें यशोवर्मन का नाम ऊपर और मुक्तापीठ का नाम नीचे था। इसको लेकर फिर से मतभेद होता और युद्ध होता है और इसमें यशोवर्मा पराजित हो जाता है। अगला विद्या अनुराग। देखिए राजतरंगिणी से पता चलता है कि वाकपति और भवभूति यशोवर्मा के राजदरबार में रहा करते थे। वाकपति ने प्राकृत काव्य गौड़वहू लिखा और भवभूति ने संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, अब अगली बात करें चीन के साथ कूटनीतिक संबंध। देखिए चीन के सम्राट भारत के सीमांत प्रदेश में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। इसी अभिप्राय से उसने कश्मीर नरेश चंद्रापीठ से मैत्री संबंध स्थापित किया और 720 ईस्वी में उसे सम्मान दिया। 733 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापीठ को भी इसी प्रकार सम्मानित किया। चूंकि कश्मीर और कन्नौज के बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, इसी यशोवर्मन ने भी चीन के साथ घनिष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो चीनी ग्रंथ के अनुसार मध्य भारत के राजा ने 731 ईस्वी में अपना एक राजदूत चीन भेजा था और वह राजा कौन था? यशोवर्मन। अब अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो यशोवर्मा कन्नौज का एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा तो था, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीठ की अपेक्षा वह ज़्यादा सफल नहीं हुआ। यशोवर्मा का पतन कैसे हुआ? जैन साहित्य में उसके एक पुत्र आमराज का नाम मिलता है, परंतु इसके विषय में कोई निश्चित ब्यौरा नहीं मिलता है। कुछ समय बाद कन्नौज पर दुंदुक और भोज के बाद आयुध वंश ने अधिकार कर लिया। इसमें वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध का नाम, यानी तीन निर्बल शासकों ने शासन करते हुए ये दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यशोवर्मा का टॉपिक खत्म हुआ।